हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या याद कीजिए। तो पहली संख्या अपन मान लेते हैं एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस वन, तो इनका वर्गों का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर 313। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर 313। तो ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस वन माइनस 313 बराबर जीरो। तो दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस 312 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर जीरो। फिर आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 156 बराबर जीरो, एक्स प्लस 13 माइनस 12 एक्स माइनस 13 बराबर जीरो। एक्स बराबर हो जाएगा 12, एक और एक एक्स बराबर माइनस का 13, इसका मान 12 और 13। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए 423 इंटू 423 माइनस 325 इंटू 325 बटा 423 माइनस 325, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बटा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी चला जाएगा। तो 423 प्लस 325, पांच और तीन आठ, और दो चार, चार तीन सात, 748। आगे देखिए तीसरा, एक निश्चित कार्य को 32 दिन में कर सकता है, एक निश्चित कार्य को 32 दिन में, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी ए से, तो 32 बटा 60 मतलब 160 इंटू ऊपर आ जाएगा 100, 0 से 0 16 से दो बार, तो बी का मान हो जाएगा 20 दिन में। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को कुल 420 में बेचा, 420 बटा 12, 420 में बेचा, 420 में, बार दुना 24, भारतीय 36 मतलब 35 रुपए में, 35 रुपए में एक वस्तु, इसमें से उसे सात वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इसमें से उसे कितने के बराबर? सात वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। सात वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? सात, 35 इंटू सात 420, 12 माइनस 7 बराबर 5 वस्तु, तो 420 बटा 5 एक वस्तु का मूल्य 84। आगे देखिए छठवा पांचवा क्वेश्चन, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है, छह मेन प्लस 8 वुमेन एक कार्य को 14 दिन में, 8 मेन और 12 वुमेन उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, 10 दिन में। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 6 84 मेन प्लस 14 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 8 मतलब 80 माइनस 80 मेन बराबर बराबर हो जाएगा 120 वुमेन माइनस 14 इंटू 8 112 वुमेन। तो ये हो जाएगा 4 मेन बराबर 8 वुमेन, मेन और वुमेन, मेन की स्पीड 2 की और वुमेन की स्पीड 1 की। कुल कार्य 6
इंटू दो मतलब छह पुरुष, तो 12 प्लस 8 महिलाएं, 8 का 8, 12 8 20, इंटू इंटू 14 दिन में, तो 20 280, 280 मैन, एक पुरुष, पुरुष की स्पीड कितनी है, दो की स्पीड, तो 140 दिन। आगे देखिए छठवा क्वेश्चन, सरल कीजिए, 4.32 इंटू 4.32 माइनस 2.64 इंटू 2.64 बटा 1.68, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस चला जाएगा, 4.32 प्लस 2.64 तो हो जाएगा 4, 2, 6, 3, 9 और 4, 2, 6, 6.96। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 18,700 होता है तो 15% की हानि मतलब 85, 15% का लाभ मतलब 115 में, तो 18,700 बटा 17 इंटू 23 ये चला जाएगा 1100, 23 इंटू 11, 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 हो जाएगा 25,300, 25,300। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकती है। 8 मैन प्लस 12 वुमेन, 8 मैन कोष्टक इंटू 8 मैन, 8 मैन प्लस 12 प्लस 12 वुमेन एक दीवार को 10 दिन में बना सकती है। 6 मैन प्लस 8 वुमेन एक दीवार को 14 दिन में के लिए बना सकती है, तो 8 दाई का 80 मैन, 80 मैन, 80 मैन और 14 इंटू 6 84 मैन माइनस 84 मैन बराबर 12 इंटू 10 120 वुमेन माइनस 14 इंटू 8 112 वुमेन, तो ये हो जाएगा 4 मैन बराबर 8 वुमेन, मैन और वुमेन की स्पीड आ गई 2 और 1 की, तो 8 पुरुष 2 की स्पीड से काम करते हैं प्लस 12 महिलाएं, प्लस 12 महिलाएं 1 की स्पीड से काम करती है, कितने दिन में करती है, 10 दिन में, 8 दूनी 16 और 12 28 280, तो महिला की स्पीड 1 की स्पीड 280 दिन में। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी डी 2:3:5:6 के अनुपात में, तो चतुर्भुज, तो चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप तो 360 डिग्री होता है, अनुपात हो गया 2:3:5:6, 3 और 5, 3 और 2, 5, 5 दुनी 10, 10 से 16, 16 दुना 32, 16 दुना 32 और 16 दुना 32 ये हो जाएगा 16 दुना 32 22.5 एक का मान, तो इसका मान हो जाएगा पहले वाले का 45, दूसरे का हो जाएगा 67.5, तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा 112.5, 25 का 5 असल की 2, 5 दुनी 10, 10 दो 12 का 2 असल की 5 दुनी 10, 10 दो 12, 122.5। फिर आगे वाले का हो जाएगा 6 5 30 का 0 असल की 3, 6 दुनी 12, 12 3 15 का 5 असल की 1, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12, 12 1 13, 135 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, 12 प्लस 12 इंटू 12
44 माइनस 12 भाग 12 एक, तो ये हो जाएगा 144 और 12 156 माइनस एक बराबर 155। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 84 और उन संख्याओं का अनुपात 2:3 LCM बराबर 84। तो पहली संख्या 2 का भाग देंगे तो 42, दूसरी संख्या 3 का भाग देंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 42 + 28 तो इनका योग हो जाएगा 8 और 2 = 10, असल 1 × 4 = 7, 70। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।